ठीक है। शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने हिंदी के अंदर विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। उस टॉपिक्स को हमने आधा कंप्लीट कर लिया है, बाकी के जो पॉइंट्स उनके अंदर रहते हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे नोट्स साथ साथ बनाते रहना, रोज़ रोज़ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा उपविषय है वो है विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह। इनकी जो बेसिक डिस्कशन है वो हम लोग कर चुके हैं कि क्या होते हैं विराम चिन्ह और इनकी संख्या है वो कितनी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विराम चिन्ह की जो संख्या है वो अकॉर्डिंग टू कामता प्रसाद यानी कामता प्रसाद के अनुसार 20 बताई गई है, जिसमें से हमारा जो पूर्ण विराम है वो हिंदी भाषा का है, लेकिन बाकी के जो 19 विराम चिन्ह हैं वो हमारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो हमने इन विराम चिन्हों को एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। तो हमने पूर्ण विराम को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद दूसरा हमने अल्प विराम को भी कंप्लीट कर लिया और तीसरा हमने अर्ध विराम को भी कंप्लीट है वो कर लिया। इन तीनों की डिस्कशन अभी तक हमने कर ली है। आगे के जो विराम चिन्ह हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हमारा जो चौथे नंबर का जो विराम चिन्ह आता है वो आता है प्रश्नवाचक। यहां पे लिख देती हूँ प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है ये वाला, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोला जाता है, ठीक है। तो इसके हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे यानी परिभाषित इसको कैसे करेंगे कि प्रश्नवाचक क्या होता है, जिस वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछने का भाव अभिव्यक्त किया जाता है। तो पहली बात, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है या प्रश्न पूछा जाता है, या प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का जो भाव है वो अभिव्यक्त होता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। अब यहाँ पर क्या है, हमें प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हमने यहाँ पर किसी सामने वाले से क्या किया है, प्रश्न किया है। इसी तरीके से तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सीधे सीधे सामने वाले से क्या है, प्रश्न पूछा है। और ऐसे वाक्यों की पहचान करना बहुत ही आसान होता है, क्यों, क्योंकि इनके पीछे जो क्वेश्चन जो मार्क है वो दिया होता है। लेकिन एग्जाम का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ चुका है, वो किस तरीके से आए, देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि प्रश्नवाचक वाक्य वो कौन से होते हैं या इनकी पहचान आप बताओ। यहाँ से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाएगा। जैसे इसकी हम दूसरी अगर बात करें स्टेटमेंट की,
तो देखो कुछ वाक्य क्या होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द तो दिए होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, जो भाव है वो प्रश्न पूछने वाला नहीं होता। क्या कि जिसमें या जिस वाक्य के अंदर शब्द ऐसे मिलेंगे जो प्रश्नों वाले होते हैं लेकिन वाक्य का जो भाव है वो प्रश्नवाचक नहीं होता। जैसे कुछ वाक्यों में कुछ वाक्यों में भाव प्रश्न वाला होता है, प्रश्न वाला नहीं होता लेकिन शब्द प्रश्नवाचक वाले दिए जाते हैं, कैसे, यानी जिन वाक्यों के अंदर क्या होता है, शब्द हमें ऐसे मिलेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि ये प्रश्नवाचक हो सकता है लेकिन अगर पूरे सेंटेंस का या पूरे वाक्य का भाव हम समझेंगे तो वो प्रश्नवाचक नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ, जैसे रवि ने बताया कि वह कल कहाँ गया था। अब देखो रवि ने बताया कि वह कल कहाँ गया था, अगर ये वाक्य आपसे पूछ लिया जाए और इसमें आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का वाक्य है, भी इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रवि ने क्या है, बात हमें बताई है, लेकिन बात तो बता दी बट आगे क्या है, क्या दे दिया हमें वाक्य के अंदर, कहाँ दे दिया, तो कहाँ शब्द हमारा प्रश्नवाचक हो सकता है लेकिन पूरे वाक्य के अंदर जब हमने इसको प्रयोग किया तो ये जो कहाँ शब्द है हमारा प्रश्नवाचक के अंदर नहीं आ रहा है। तो इसी में क्या बताया है कि कुछ वाक्यों में भाव प्रश्न वाला नहीं होता लेकिन शब्द प्रश्नवाचक दिए जाते हैं, तो इस वाक्य के अंदर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, यहाँ पर हमारा पूर्ण विराम प्रयोग में किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे सेंटेंस का जो भाव है वो प्रश्न वाला नहीं है। यहाँ पे हम प्रश्न कर नहीं रहे दूसरे के आगे, यहाँ पे हम पूछ नहीं रहे बल्कि यहाँ पे तो रवि बता रहा है कि वो कहाँ पर गया था। ठीक है, इसके आगे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया नहीं जाता लेकिन भाव प्रश्नवाचक वाला होता है। जैसे कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द दिए नहीं जाते बल्कि वाक्य का भाव प्रश्न वाला होता है। अब इस वाक्य को पहले आप ध्यान से पढ़ो कि जिस वाक्य के अंदर क्वेश्चन दिया नहीं जाता हमें या ऐसा शब्द हमें नहीं दिया जाएगा जिस जो प्रश्न वाला हो लेकिन उसका अगर हम भाव पढ़ेंगे पूरा तो वो भाव हमारा किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं अभी, जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, यानी मैं क्या कर रही हूँ, सामने वाले से पूछ रही हूँ। देखो तुम पढ़ रहे हो, या
तुम बाजार जा रहे हो। बाजार जा रहे हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, सामने वाले से प्रश्न है, वो पूछा है हमने उनके साथ क्वेश्चन किया है कि क्या तुम पढ़ रहे हो। लेकिन ऐसे वाक्यों के अंदर क्या है, अगर ऐसे वाक्यों को हम पहचान नहीं पा रहे हैं तो हम इनके आगे क्या लगा सकते हैं। अब देखो, क्या तुम पढ़ रहे हो या तुम अभी घर जा रहे हो, मतलब क्या है, हम सामने वाले से कुछ पूछ रहे हैं और पूछने का मतलब ही क्या होता है, प्रश्न। यानी पूछने का मतलब ही क्या होता है, हाँ मतलब ही क्या होता है, प्रश्न करना। ठीक है, प्रश्न करना, पूछने का मतलब ही क्या होता है, प्रश्न करना। अब इसके अंदर क्या है, एक वाक्य लिख रही हूँ और दोनों के अंदर आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला यहाँ पे लिख रही हूँ, दूसरा इसके नीचे, अध्यापक ने प्रश्न पूछा। ठीक है, एक तो ये वाक्य है, दूसरा अध्यापक ने प्रश्न किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों वाक्यों के अंदर कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी वाक्य शोधन जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इन दोनों के अंदर हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ। शाबाश। अब देखो इसमें क्या होता है, अध्यापक ने प्रश्न पूछा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, पूछा, और यहाँ पे क्या है, किया। वैसे तो दोनों सही लग रहे हैं हमें, लेकिन इनमें से ये, इसमें अशुद्धि है। अशुद्धि क्या है, पूछा। क्यों, क्योंकि पूछने का मतलब ही क्या होता है, प्रश्न करना। अध्यापक ने प्रश्न किया, तो ये वाक्य क्या है हमारा, ये वाक्य हमारा सही है, और ऊपर वाले वाक्य के अंदर क्या है, हमारी छोटी सी गलती है। क्योंकि प्रश्न किया जाता है, प्रश्न कभी भी पूछा नहीं जाता। ठीक है, इसके अलावा अगला जो विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे, नंबर 5, पांचवें नंबर का जो विराम चिन्ह है वो हम पढ़ेंगे, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को ही हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। अब देखो, उद्धरण चिन्ह हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक हरा और एक होता है दुहरा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के जो उद्धरण चिन्ह है इनकी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा एक हरा, और दूसरा आता है हमारा दुहरा। एक हरा का जो साइन है वो ये रहेगा, और इसका जो साइन है वो हमारा ये रहेगा। ठीक है, इनके आगे लगा लेना दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब देखो, एक हरा जो उद्धरण चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, और दोहरा जो उद्धरण चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले एक हरा उद्धरण चिन्ह, तो सबसे जो पहली बात है वो इसकी मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात, कवि के उपनाम में, कवि या लेखक के उपनाम में, उपनाम। ठीक है, दूसरी बात, कवि की रचना, की रचना। ठीक है, तीसरी चीज, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम। चौथी है अखबार या पत्रिका का नाम, अखबार या का नाम। अगर ये कंडीशन है कवि या लेखक के उपनाम में, जैसे मैंने एक शब्द बोला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब निराला को हम एक हरणा उद्धरण चिन्ह के अंदर है वो बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि सूर्यकांत जी जो त्रिपाठी थे उनको निराला की उपाधि दी गई थी, उसका उपनाम है ये। ठीक है, इसी तरीके से जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्ति बोध। अब देखो गजानन माधव मुक्तिबोध इनके अंदर क्या है, जो मुक्तिबोध की इनको क्या मिली थी उपाधि है वो मिली थी। ठीक उसी प्रकार कवि की रचना, कोई कवि कह दो या लेखक कह दो, उनकी जो रचना होती है उनको भी हम किस में बंद करते हैं, उनको भी हम उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। कौन सा उद्धरण चिन्ह? एक हरा उद्धरण चिन्ह। जैसे मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास गोदान था, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास गोदान था। इसी प्रकार एक वाक्य और लिखते हूँ, जैसे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि की रचना की, गीतांजलि की रचना की। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कवि या जो लेखक भी हम कह सकते हैं, लेखक की रचना कौन सी है? गीतांजलि। तो हम इसको किस में बंद कर देंगे? उद्धरण चिन्ह के अंदर, यानी एक हरा उद्धरण जो चिन्ह आता है। ठीक है, यहाँ तक के डिस्कशन में अगर प्यारे विद्यार्थी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हम चिन्ह पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोहरा, यानी दोहरा मतलब डबल वाला। ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह कह दो या दोहरा अवतरण चिन्ह भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब देखो जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, दोहरा का मतलब क्या होता है? ये हमारे वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, किसी बात को हम ज्यों का त्यों मान लेते हैं। मतलब जैसे किसी कवि की या किसी लेखक की जो रचना होती है, रचना के अंदर क्या होता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट वो देते हैं कि जिसको हमें एज इट इज मानना पड़ता है, उनके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रत्यक्ष कथन होगी, लोगों के द्वारा बोली गई कहावतें होगी, या हमारा जितनी भी हमारी डेफिनेशन आती है या जो परिभाषाएं आती हैं उनको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर है वो बंद है कर देते हैं। तो इनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इन चिन्हों का प्रयोग, देखो इनका मतलब दोहरा, इनका मतलब ओनली दोहरा, इन चिन्हों का प्रयोग किसी बात को इन चिन्हों का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है, मान
लिया जाता है, मतलब जैसी बात सामने वाले ने बोली वैसा का वैसा उसको एक्सेप्ट कर लेना, वैसा का वैसा उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा परिभाषाओं के अंदर, परिभाषा में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या जितने भी हमारे प्रत्यक्ष कथन होते हैं या कहावत लोकोक्ति, जो किसी व्यक्ति ने जैसे बोली वैसा का वैसा, अगर हम उस चीज़ को मानते हैं तो उन कहावतों को भी हम किसके अंदर रखेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह में, ठीक है। तो लिखो लोकोक्ति प्रत्यक्ष वचन, ठीक है, इनमें भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इनमें भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखो इनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसको भी हम विद एग्जाम्पल है वो प्रूफ करेंगे, कैसे। मान लो किसी भी विद्वान का ले सकते हो, किसी भी थिंकर का ले सकते हो, किसी कवि की ऐसी लाइन जो जिन्होंने जैसे बोली वैसी की वैसी हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अब देखो जो हमने अल्प विराम करे थे वहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और निकल गया कि उद्धरण चिन्ह से पहले हमेशा ही अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा से पहले हम कोमा का प्रयोग है वो करते हैं। अब उन्होंने क्या बात बोली है, अनुसार जब तक जियो तब तक सीखो, ठीक है, जब तक जियो एक मिनट जब तक जियो तब तक सीखो, यानी जैसी बात उन्होंने बोली वैसी की वैसी हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने तीन प्रकार के चिन्हों को पढ़ा, और तीनों के अंदर आप लोगों को कहीं पर भी समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी की डिस्कशन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।